झारखंड के लिए शुक्रवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। रांची के प्रभात तारा मैदान में हजारों लोगों के साथ रिमझिम बारिश के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास किया। योग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के अभिभाषण की शुरुआत झारखंड की जनता को जोहार के साथ हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर झारखंड और देश के नाम पीएम का संदेश भी प्रेरित करने वाला रहा। पीएम मोदी ने समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लिए योग को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि हर शख्स के लिए योग है और हर योग से व्यक्ति। योग दिवस के लिए आना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। आप लोग बहुत सुबह ही अपने घरों से निकलकर दूर दूर से यहां आए हैं, मैं आप सभी का आभारी हूं। मेरे लिए रांची आने की तीन और बड़ी वजह है। पहला, जैसा कि झारखंड के नाम में ही ये वन प्रदेश है, प्रकृति के बहुत करीब है और योग और प्रकृति का तालमेल इंसान को एक अलग ही एहसास कराता है। दूसरी बड़ी वजह यहां आने की ये थी कि रांची और स्वास्थ्य का रिश्ता अब इतिहास में दर्ज है। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण में हमेशा ही कुछ न कुछ नया रहता है। इस बार भी नरेंद्र मोदी ने चार प के मंत्र को मंच से साझा किया, यानी पानी, पोषण, पर्यावरण और परिश्रम को जीवन की सफलता की कुंजी बताते हुए इसे अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि योग को शहर से गांव तक और गरीब से आदिवासी समाज तक पहुंचाने की जरूरत है। योग अनुशासन और समर्पण का नाम है जो हर व्यक्ति में होना चाहिए। कुछ बातें हैं, पानी, पोषण, पर्यावरण, परिश्रम, ये चार चीजें। पीने का शुद्ध पानी मिले, आवश्यकता के अनुसार पोषण प्राप्त, पर्यावरण स्वच्छता, वायु पर्यावरण पानी का कुछ, और परिश्रम जीवन का हिस्सा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये पांच चार परिणाम देते हैं। तो देखते हुए हमें योग को हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए, स्वभाव बनाने के लिए निरंतर काम करना। झारखंड के लिए इस आयोजन की मेजबानी अपने आप में ऐतिहासिक रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन रांची में होने की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दो सप्ताह के भीतर करीब 40,000 लोगों के साथ योग कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी ने रघुवर दास सरकार की प्रशंसा की। सीएम रघुवर दास ने इस मौके पर कहा कि भागम भाग वाली जिंदगी में योग मन, मिजाज और शरीर को शांत और स्वस्थ रखता है। इसे जीवन के साथ आत्मसात करने की जरूरत है। योग को स्थापित कर योग एक विद्या है जोड़ने की। जब योग की बात होती है तो जोड़ने की बात है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का योग, जो हमारी भारतीय संस्कृति, वो आज दुनिया, पूरी दुनिया ने ग्रहण करने का काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी योग के माध्यम से आज पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरी झारखंड की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप सभी से भी अभी कि नए भारत के निर्माण में स्वस्थ भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन, हम सिर्फ 21 जून नहीं बल्कि प्रतिदिन अपनी दिनचर्या का योग को एक साधन माने और प्रत्येक दिन योग कर हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ राज्य और स्वस्थ भारत
का निर्माण कर नए भारत के निर्माण में सहभागी बने। आधुनिक भारत में योग का महत्व और सरकार द्वारा इसे बढ़ावा देने का अभियान समय के साथ रंग लाने लगा है। शिक्षण संस्थानों में योग विद्या को प्रेरित करने के लिए योग गुरु की नियुक्ति सरकार का अगला लक्ष्य है। एक छोटी सी पहल पर अब तक भारत और दूसरे कुछ देशों में किया जाने वाला योग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुका है। जरूरत है तो सिर्फ हर किसी को योग अपनाने की और स्वस्थ निरोग रहने की। रांची से विपिन के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट।